अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज आपको एक टेडी पट्टी का शो करवा रहा हूँ। मैं अपनी एक घर की ब्रीड है माशाल्लाह, और अच्छे इनके बच्चे उड़ते हैं, तो मैंने कहा चलें आपको शो करवाता हूँ। ये इसकी आँख है फीमेल की, ठीक है, और इसका मैं पान दिखाता हूँ। एक मेरी मैं इसके परों का शो कर रहा हूँ। ये भी 8 पर की पट्टी है, तो आप इसके परों की चढ़ाई देखें और इसके परों का साइज़ देखें कि कैसे पार के ऊपर पार चढ़ा हुआ। सबसे बड़ी बात इसकी बगल देखें, ये बड़ी बगल की पट्टी है। मतलब अभी तो कबूतर क्योंकि क्रीज़ में है तो थोड़े से पार गिराए हुए इन्होंने बीच में से, और अभी इसका ये 8वां 9वां पार आ रहा है। तो इसकी मैं एक वीडियो आपको दिखा रहा हूँ इस पूरे पार की, कि आपने कोई कबूतर लेना है तो उसका पार किस तरह चाहिए। जैसे ये पार मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये इस तरह की चढ़ाई होनी चाहिए पर की, ठीक है। उसके अलावा आप देखें इसकी बंद दुम की, ये देखें बंद दुम जिसको कहते हैं ना, एक पत्ते वाली दुम। देखें मैं हला भी रहा हूँ तो ये इसकी दुम खुल नहीं रही, तो ये बिल्कुल बंद दुम की पट्टी है, ये देखें, ठीक है। उसके बाद मैं आपको इसके पंजों का शो करवा रहा हूँ। अब इसके पंजे देखें, लंबी टांगे हैं और पतले पंजे हैं बिल्कुल, ये देखें ना, पतली उंगलियाँ हैं, ठीक है। और ये उसके ऊपर खुश्की देखें आप, खुश्क पंजे हैं, ठीक है। और नलियाँ देखें जी, बिल्कुल पतली पतली हैं, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको इस पूरी फीमेल का शो करवाता हूँ। ये इसकी पिक्चर है पट्टी की, ठीक है। ये कांटो वाली पट्टी है, मेरी घर की ब्रीड है माशाल्लाह। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। वीडियो देखने का आपका बहुत शुक्रिया, और मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए, अच्छे कबूतरों के लिए आप मेरे चैनल को लाइक भी कर रहे हैं और सब्सक्राइब भी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।